पंजाब दे विच करफ्यू चल रहा सी, पर अज तो 31 मई तक लॉकडाउन चलेगा। पंजाब पुलिस इस लॉकडाउन दे विच चप्पे चप्पे ते तैनात है, पर इस दे बावजूद भी शरारती अंसर अपनियां वारदातां नूं अंजाम देण विच लगे होए ने। बेशक पुलिस दे वलों जगह जगह ते नाके लगा के सुरक्षा दे वड्डे वड्डे दावे किए जा रहे हैं, पर चोर पुलिस तो अगे चल रहे हैं। आए दिन चोरी दीआं वारदातां नूं अंजाम दिता जा रहा है। फिरोजपुर जिले की जो गल करिए तो इत्थे इह वारदातां रुकण दा नाम नहीं लै रहीआं। जिक्रे खास है कि जिला फिरोजपुर के एक पेट्रोल पंप से चोरों ने तावा बोल दिता। चोरों के वलों इस पेट्रोल पंप को अपना निशाना बनाया गया। जानकारी देंदे हुए पेट्रोल पंप के करिंदे रणजीत कुमार ने दसिया कि वह रेलवे पुल के नेड़े जय हिंद पेट्रोल पंप से काम करता है और रात में चौकीदारी के लिए वह इत्थे ही रुक जाता है। उसका कहना है कि जब अपने कमरे के सो रहा सी तो अचानक हथियारों के नाल लैस हो के कुछ चोर आए और उसे डरा धमका के कीमती समान उतों की लै गए, जिसकी कीमत कुल 83,000 रुपये बनती सी। सर क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। हाँ जी रंजीत कुमार जी, कैसे लूट हुई, कौन आए थे? सर यहाँ पे हमने सोया हुआ था। अच्छा, मतलब यहाँ पे पंप ही थे तो दो बाइक से आए, चार पांच लड़के आए और मुझे पकड़ के ना दीवार के साथ मुझे दबा दिए, ठीक है, और तिरछी मेरे ऊपर रख ली। अगर तू कुछ भी बोलेगा या किसी को कहेगा तो मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं फिर कम से दो लड़के मेरे को पकड़ लिए थे, बाकी दो तीन लड़के इधर आते अपना सट्टा सुट्टा तोड़ के जैसे भी मतलब दरवाजे वगैरह तोड़ दिया जो सामान था। अच्छा कैश ही लूटा? कैश नहीं था मेरे पास। हैं? कैश नहीं था मेरे पास। कितना कैश था? कैश नहीं था, मुगलायल था। अच्छा, जो इंजन ऑयल होता है, मल्टी ब्रेड होता है, कुटी ऑयल होगा, ये सब चीज़ें ले गए। ये कितने की लूट हुई है, कितनी एस्टिमेट है? एस्टिमेट लगभग 1,80,000 का होगा। 1,80,000 80,000 90,000 80-90,000 की जरूरत जो लौट के ले गए। हाँ जी, आप क्या मांग करते हैं पुलिस से? पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं आप? ये दो तीन बार घटना हो गई है, तीसरी बार ये घटना हो चुकी है इस पंप पे। मैं यही मांग कर रहा हूँ कि इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी में पंप है, लटेरे शरे आप घूम रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। पुलिस से क्या, पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही आती है? नहीं, लापरवाही तो नहीं कह सकता हूँ मैं, पुलिस अपना काम कर रही है, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। ओके ठीक है सर, थोड़ा सा मांग जल्दी से जल्दी कर रहे क्या? हाँ बिल्कुल। फिलहाल दसन योग है कि रफू चक्कर हो इन्होंने चोरों नूं पुलिस ने काबू कर लिया है, पुलिस इन्होंने उत्ते हुण बंदी कार्रवाई कर रही है। चोरों का की माहौल है सर, चोर किस तरह चोरी की थी? जी इन्होंने मतलब चोरों ने मिथी 8-9 की दरमियानी रात पंप तो मतलब एक बंदा उन्होंने जो पंप का नौकर सीगा वो सुता पाया सीगा बाहर, तो ये पांच जने अपने दो मोटरसाइकिल से रात को आए, उन्होंने फड़ के मंजे तो उठा के तो दीवार नाल इन्हें ला के तो बंदी बना लिया चाकू की नोक पर, तो उस तो बाद राड नाल ताला तोड़ के तो उसके अंदर जिन्ना मोबाइल वगैरह सीगा वो कढ के मोटरसाइकिल से टोके लै गए थे। ये पांच चार दिन तो अपनी तौर पर पालत करते रहे इन्हों की चोरों की, उस तो बाद इन्होंने सानू आके जो बयान लिखाया तो भी इस तरह साढ़े पंप तो चोरी हुई है, तो वो बंदे दो उन्होंने अरैसट कर लेने, तो उन्होंने कुछ समान भी बरामद करा लिया, बाकी तीन बंदे अरैसट कर लेने तो समान अजे बरामद कराने बाकी। अच्छा, दोषियों ने गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी, दो दोषी गिरफ्तार हो गए हैं, तो बाकी तीन जी बाकी तो पूछताछ जा रही है। हाँ जी, बाकी पूछताछ जा रही है जी, इन्हों मतलब इन्हों तो रिमांड लैके पूछताछ की जाएगी, इन्हों को बहुत ज़्यादा बाकी का समान बराबर कराया जाएगा। फिरोजपुर तो सुखचैन सिंह की स्पैशल रिपोर्ट के नाल ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी NRI।